हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है वैसुंग और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनबी मंत्रा पर। बच्चों, आप सभी के लिए एकदम से मैं जरूरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो लेकर आ गया हूँ, जो कि आपके प्रवेश पत्र के बारे में बच्चों, ठीक है ना, आपका एडमिट कार्ड के बारे में है। तो अच्छे से आपको ये वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है, और इसमें मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय के ये ऑफिशियल जो पीडीएफ है इसको मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, इसी के माध्यम से आपको ये जानकारी देने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। आपको जैसा कि पता ही है मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी का पेपर यहाँ पर जनवरी में होने वाला है, ठीक है ना। आप सभी को पता ही है कि आप सभी का पेपर जो है बच्चों जनवरी में होने वाला है, जिसके लिए यहाँ पर देखिए डेट भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे नीचे, तो यहाँ पर आप सभी का डेट भी दे दिया गया है। आपको पता ही है बच्चों कि दो शिफ्ट में यहाँ पर पेपर होने वाला है। पहला आपका दो फेज में होगा। पहला आपका यहाँ पर 18 जनवरी 2025 को होने वाला है बच्चों, और दूसरा जो फेज है वह जो है 12 अप्रैल को होने वाला है बच्चों, ठीक है। आपको यहाँ पर एक बात याद रख लेना है, ठीक है। 18 जनवरी को आपका ये पहला वाला फेज का होगा 2025 को, ठीक है। अब इसके लिए जो एडमिट कार्ड का यहाँ पे जानकारी निकल के आ गया बच्चों, वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, और जो महत्वपूर्ण जानकारी एक और जो है वो भी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एडमिट कार्ड को देख लेते हैं कि एडमिट कार्ड के बारे में क्या बताया गया है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया इशू ऑफ एडमिट कार्ड्स, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है द एडमिट कार्ड्स विल बी मेड अवेलेबल एज पर डेट डिसाइडेड बाई NBS इन ड्यू कोर्स विच विल बी डिस्प्लेड ऑन अप्लीकेशन पोर्टल। द एडमिट कार्ड शैल बी डाउनलोडेड फ्री ऑफ कास्ट बाई द कैंडिडेट्स पेरेंट्स बिफोर द कंडक्ट ऑफ JNBST 2025। मतलब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कहा गया है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो आपका एडमिट कार्ड है वह आपका पेपर से पहले, यानी कि आपका 18 जनवरी को पेपर है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। आपका 18 जनवरी जो फर्स्ट आपका जो फेज की मैं बात कर रहा हूँ, 18 जनवरी 2025 को जो आपका पेपर होने वाला बच्चों, तो ये आपका जो एडमिट कार्ड है वह जनवरी महीने में, याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, जनवरी महीने में आपका फर्स्ट वीक में आपका आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। फर्स्ट वीक में आप सभी का मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि आप सभी का फर्स्ट वीक में आप सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। साथ ही साथ यहां पर आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो है आपको फ्री ऑफ कास्ट, ये आपका एडमिट कार्ड का, एडमिट कार्ड कोई पैसा नहीं देना है यहां पर, फ्री ऑफ कास्ट यह जो है एप्लीकेशन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन पोर्टल मैं यहां पर बता दे रहा हूं बच्चों, एप्लीकेशन पोर्टल ये रहा आपका www.navodaya.gov.in, ये आपका एप्लीकेशन पोर्टल है। इसी पर आप जाएंगे और वहीं से अपना जवाहर नवोदय विद्यालय का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद एक और जो जरूरी सूचना यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो कि जानकारी बहुत अच्छा है बच्चों, जिसको कि जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताया गया है आपके एग्जाम को लेकर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दिया गया है अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है इच कैंडिडेट शैल बी अपेयर फॉर द सिलेक्शन टेस्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड टू हिम हर एज इंडिकेट ऑन द एडमिट कार्ड्स। नो कैंडिडेट इज परमिटेड टू अपेयर फ्रॉम एनी अदर सेंटर। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज आप सेंटर विल बी इंटर्ड। नो कैंडिडेट्स कैन अपेयर इन द सिलेक्शन टेस्ट विदाउट पेपर एडमिट कार्ड प्रॉपर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में भी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ NBS, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों, कहा गया है कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर बोला गया है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है यह आपके एडमिट कार्ड पे बता दिया जाएगा, ठीक है ना, एडमिट कार्ड पे बता दिया जाएगा। और जो आपका सेंटर है ना, जो आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है वहीं पर आपको अपेयर होना है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि मेरा चेंज कर दीजिए एग्जामिनेशन सेंटर तो ये चेंज होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। जो यहाँ पर दिया गया है वहीं पर आपको जो है प्रॉपर टाइम पर अपेयर होना है, ठीक है। और इसके बाद
बाद यहाँ पर कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है बच्चों। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि आपको जो आधार कार्ड है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपको एडमिट कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड भी अपना रख लीजिएगा, ठीक है ना, जो आप अपलोड किए हैं अप्लीकेशन पोर्टल पर, ये सारी चीज़ें। या फिर मान लीजिए जो आधार कार्ड नहीं बच्चे अपलोड किए हैं, तो जो बच्चे अपना गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं वो अपना साथ में रखेंगे। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ, या तो आधार कार्ड यदि आप अपलोड किए होंगे, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, या तो आप आधार कार्ड अपलोड किए होंगे या फिर जो गवर्नमेंट द्वारा रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है ना, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र जो बच्चों हैं वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो अपलोड किए हैं, या तो आपका आधार हो गया, ठीक है, ध्यान समझिएगा, या तो आपका आधार हो गया या फिर आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, इन दोनों में से कोई एक जो आप अपलोड किए हैं उसको रखना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका जो एडमिट कार्ड है वहाँ पर ऊपर साइड आपका इमेज दिखाई देगा, ठीक है ना, इतना बड़ा में आपका इमेज A4 में, यहाँ पर जो A4 का निकलेगा सीट ना, तो ऊपर एडमिट कार्ड पर यहाँ पर फोटो रहेगा, ठीक है बच्चों। मान लीजिए इतना बड़ा एडमिट कार्ड है आपका, तो साइड में आपका फोटो रहता है, ठीक है, तो आप फोटो वहाँ पर देख लीजिएगा, आपका पूरा फोटो जो है मिला किया जाएगा, वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर पर। यदि मान लीजिए आपका कोई मिसमैच है तो तुरंत आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के, यहाँ पर बताया गया है कि आप वहाँ के प्रिंसिपल से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं इससे संबंधित, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ जो दिया गया था बच्चों इंपोर्टेंट जानकारी मैं आप सभी को दे दिया हूँ। आई होप कि ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा बच्चों। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा वीडियो से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।